आप सब आज मैं अपने किचन में लेके आई हूँ बहुत मजे की यूनिक सी रेसिपी। आलू के क्रिस्पी बाइट्स बहुत मजे के बनेंगे, रमजान के हवाले से बहुत अच्छे हैं और बहुत यम्मी बनेंगे। बहुत क्विकली बनने वाली रेसिपी है, बहुत मजे की बनेगी और इसको मिस ना कीजिएगा, ये बहुत जल्दी बन जाएगी। हाफ के जी मेरे लिए आलू मैंने अच्छे से वॉश करके इसको बॉईल कर लिया है, फुल बॉईल है। मैं फोक की मदद से इसे क्रश कर लूंगी। आलू को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब मैं इसमें स्पाइसी ऐड करती हूँ। कुटी मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, एक छोटे साइज का प्याज लिया है इसे मैंने ब्रीक कर क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद मैंने इसका पानी बिल्कुल सोख कर लिया है, फिर ऐड किया है। गार्लिक पाउडर लिया है 1 टीस्पून मैंने, नमक लिया 1 टीस्पून। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं। मिक्स अच्छे से हो गया है। राइस फ्लोर डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। हाथों के से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डालूंगी। 4 अदद मैंने ब्रेड लिए, इसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। ये भी डालती हूँ इसके अंदर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। ऑयल डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी शेप दे लेते हैं, मैं इस तरह बना रही हूं। अंगूठे की मदद से हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इसको। आलू क्रिस्पी बाइट्स मैंने बना लिए हैं सारे। अब मैं इसकी कोटिंग तैयार करती हूँ। वन टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। गाढ़ा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। पहले हम इस पे कोट करेंगे। इसे अच्छे से कोट कर लें आप ब्रेड क्रम्स की। मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटनी, ब्रेड क्रम्स की, टाटू क्रिस्पी बाइट्स हमारे रेडी हैं। अब मैं इसे फ्राई करती हूँ। इस पॉइंट पे हम इसे फ्रीज भी कर सकते हैं और देखें ये हाफ के जी से कितने ज़्यादा बन गए हैं। पैन लिया मैंने, इसमें मैंने ऑयल डाला है, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दी है।
ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो जाए, मैं फ्राई करती हूँ। गर्म हो गया, अब मैं इसे एक एक उठाती जाती हूँ, ऑयल में डालते जाएंगे। जितने हमारे पैन में आएंगे उतने मैं डाल दूंगी, इसे हम फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। इसे गोल्डन ब्राउन करना है हमने ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। ये मैंने डाल दिए तकरीबन, इसे एक मिनट हम इसे टच नहीं करेंगे। एक मिनट बाद मैं इसे इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें एक साइड से कितना अच्छा कलर आ गया इसका। ऐसे इस कलर आ गया है, तकरीबन हम इसे दो मिनट और फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत मज़े भी बनेगी और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। कोटिंग के बाद से हम काफ़ी देर तक से रख सकते हैं फ्रीज़र में। ये अब रेडी है, मैं इसे निकाल लेती हूँ डिश में। आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कितने क्रिस्पी बने हैं। आलू के क्रिस्पी बार्स हमारे बन के रेडी हैं, बहुत मज़े के बने हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत क्रिस्पी हैं, खाने में बहुत मज़ेदार हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।